राम राम साथियों, आप सभी के लिए जो अकाल पड़ा हुआ था पेपरों का, वो अकाल अब मिटने वाला है। हरियाणा सीट ग्रुप सी के फॉर्म भरने चालू हो गए हैं आज से ही, और जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया फॉर्म सभी भर पाएंगे। क्या रहेगी कट ऑफ, किसके रोल नंबर आने की संभावना है, और एक बहुत ही बड़ी घोषणा, क्योंकि एसएससी सीट के रन में वही बच्चा जीता था जिसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा था। तो मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आपको फ्री मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैथ की क्लासेस के अलावा रीजनिंग का भी तड़का आपको मिलता है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में करवाया जाएगा। उसके लिए अभी हरियाणा सीटी लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, नोट्स भी प्रॉपर तरीके से हैंडराइटर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश जिस बच्चे की अच्छी होगी वही अब सीटी में जीतेगा, और हरियाणा सीटी ग्रुप डी में भी उसी का सिलेक्शन होगा। जो बच्चे ग्रुप सी में नहीं स्कोर बना पाए हैं, अभी भी समय है, हरियाणा जीके का पीछा छोड़िए, और कुछ बच्चे तो नए सब्जेक्ट के पीछे मुंह धो के पड़े हैं, लेकिन आपको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है अगर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है तो आप इसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो अभी ये अप्लीकेशन का लिंक है वो भी इस व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी डाल दिया, जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस भी आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा, ताकि कोई भी गलती ना हो, बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है। देखिए, थोड़ी बहुत मैं कट ऑफ के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एचएससी में पूछे हैं, क्योंकि अभी के बाद जो पेपर लेगी सीटी मेंस का, वो एचएससी लेगी, तो सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे, पहले भी करवाए हैं और अब भी करवाए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जिनके जो ग्राम सचिव पटवारी की वेट करें, जनरल कैटेगरी में 65 से ऊपर नंबर वालों की ही संभावना है, क्लरिकल में 60 से ऊपर वालों की ही संभावना है, पुलिस में कम नंबर वालों का आ सकता है, पुलिस के फॉर्म अलग से निकलेंगे, इन 31,000 कुछ वैकेंसीज में, 32,000 के आसपास वैकेंसी में नहीं निकलेंगे। तो आपका स्कोर क्या है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी फॉर्म के रिगार्डिंग कोई बातचीत पूछनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। मैथ और रीजनिंग के 100 नोट्स और फ्री कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। जीता इस रन में वही है जिसकी मैथ और रीजनिंग दागकर थी। तो फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं, फॉर्म सभी बच्चे भर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे फॉर्म भर पाएंगे कुछ नहीं भर पाएंगे, फॉर्म सभी भर सकते हैं, लेकिन 4 गुना को ही बुलाया जाएगा। कल खट्टर साहब ने बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया इस बात को, तो संशय में नहीं रहे, लेकिन एक रास्ता कोर्ट का फिर भी बचा हुआ है, कोर्ट में भी केस चल रहा है इसके रिगार्डिंग, तो कोर्ट चाहे तो बदल, कोर्ट में कुछ हो जाता है तो सिटी क्वालिफाई भी हो सकता है, जैसा भी है। आप बस आपका मेन काम क्या, पढ़ते रहना है, ग्रुप सी में बारी नहीं आई तो ग्रुप डी में आ जाएगी, लेकिन दोबारा मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा पुरजोर, ग्रुप डी में भी वही नौकरी लगेगा जिसकी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश दाकड़ है, हरियाणा जी के पूरे हरियाणा की ही दाकड़ है, आपको आती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब होगी जब आपको मैथ्स पूरा आता है, रीजनिंग पूरी आती है, इंग्लिश पूरी आती है।